Hi friend, today we will read the fourth chapter from the book which stars. The name of the chapter is The Enemy. This is the longest chapter in this book. This chapter, the name of the chapter is The Enemy. It has been written by Pearl सैंडल स्टीकर बक, जिसको कि हम पर्ल एस बक कहते हैं. शी वॉज बॉर्न ऑन 26 June 1892 इन वेस्ट वर्जीनिया इन USA. डाइड 6 March 1973 एट वर्मोंट USA. शी वॉज अ राइटर टीचर. शी गॉट पुलिटर प्राइज इन 1932 एंड She was the first lady who got Nobel Prize in literature. She was the first lady who got Nobel Prize for literature. First American lady who got a Nobel Prize for literature in 1938. Till 1934, she used to live in China. तो इनका कुछ समय यानी कि 1934 से पहले अक्सर ये चाइना में भी रहा करती थी. देखते हैं चैप्टर. ये चैप्टर सबसे बड़ा है तो इसको रीड करते हैं. बिफोर यू रीड इट्स टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, यानी कि जो चैप्टर लिखा गया वो कब का है कि इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर. एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश अशोर इन ड्यूरिंग द स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोर स्टॉप ऑफ अ जैपनीज डॉक्टर. यानी ये वर्ल्ड वॉर का समय था. एक अमेरिकन प्रिजनर था, प्रिजनर ऑफ वॉर, जो कि युद्ध में पराजित था, और वो तैरते तैरते सी से कहाँ पहुँच गया, एक जैपनीज जो डॉक्टर जो कि कोस्ट के किनारे रहता था उसके दरवाजे. शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियट. अब ये वो दुविधा में था कि क्या उसकी बचाव किया जाए या उसको उठा करके सेना को दे दिया जाए. इसी दुविधा में पड़ा हुआ था. देखते हैं आगे. डॉक्टर सदाव होकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन द स्पॉट ऑफ द जैपनीज कोस्ट वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ओफन प्लेड. यानी जो सदाव होकी था उसका घर कहाँ था, जो जैपनीज कोस्ट था वहाँ बना हुआ था, जहाँ वो अक्सर खेला करता था. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, ये छोटा सा घर होता है, वॉज सेट अपॉन द रॉक्स वेल. यानी जो सी के किनारे जो बीच था उसका, जो उस पर जो रॉक था उस पर ये बना हुआ था. दैट वॉज आउटलाइन विद अ बेंट पाइन. तो पाइन एक ट्रीज होता है और वो आउटलाइन किया हुआ था एक तरह से. आउटलाइन का मतलब एक लाइन सी बनी हुई थी, यानी कि और एक तरह से हम आउटलाइन का मतलब छुपाना भी होता है. तो यहाँ की जो उसका घर था which was outlined with a bent pine, bent pine. तो ये पाइन एक ट्री होता है, खास करके अगर ग्रीन ट्री होता है तो उससे ये घिरा हुआ था. एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइम्ब द पाइन्स. यानी जो ट्री था जब वो बच्चा था सदाव, तो इस पर चढ़ा करता था. सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सी when they climb for a gogon. यानी सदाव जो ये उस पाइन स्टी पे चढ़ने की कोशिश करता था तो वो देखता था जैसे कि और जो लोग हैं कोकोनट ट्री पे चढ़ता है खास करके, उसको देख करके ये भी कोशिश करता था. हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोस सी. यानी उस सी के जो आइलैंड था वहाँ पर वो इसके फादर लेकर के जाते थे. एंड नेवर हैड ही फेल टू से, और कभी भी कहने से चूकते नहीं थे. टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, यानी अपने सदाव को. दोज आइलैंड्स वंडर. अब ये जो वंडर होता है, ये YOND, इसका मतलब डायरेक्शन होता है. इन द प्लेस और अ डायरेक्शन सोन ओवर देयर, इसका मतलब होता है. तो यानी ये जो आइलैंड है ये एक दिशा दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है. दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर अ जापान. स्टेपिंग स्टोन का क्या मतलब है, एक रास्ता, यानी कि एक सीढ़ी का काम करेगा इस जापान के प्रोग्रेस में. तब फिर सदाव तुरंत वहीं पूछ बैठता था कि वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम. हम लोग क्या इस पे चल सकेंगे. सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली.
हु नोज, तो कहा कि कौन जानता है। हिज फादर हैड आंसर, उसके फादर ने कहा हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन वट वी मेक इट। ये हमारे फ्यूचर को कौन डिपेंड करता है, क्या हम ऐसे बनाते हैं। सदाव हैड टेकन दिस इन टू हिज माइंड एज ही डिड एवरी थिंग हिज फादर सेड। अब उसके फादर जो कुछ भी कहता था सदा उसको अपने माइंड में फिट कर लेता था। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्ले विद हिम, जो उसके फादर थे कभी मजाक नहीं करता था, खेलता नहीं था। बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेंस अपॉन हिम, लेकिन वो इन्फिनिट पेन का मतलब यानी कि काफ़ी उसको सिखाता था एक तरह से ये बात। और जो हु वॉज हिज ओनली सन, सदाव जो था वो एक ही उसका बेटा था, यानी कि उसके और कोई नहीं थे, अपने फादर के बस एक ही संतान था वो। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज प्राइम हिज फादर चीफ कंसर्न। सदाव जानता था कि उसके पिताजी का मेन जो कंसर्न है वो एजुकेशन है। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट ही कुड बी लर्न फॉर अ सर्जरी और मेडिसिन। और इसी कारण से सदाव को 22 वर्ष की ही उम्र में अमेरिका भेज दिया गया ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन पढ़ सके। ही हैड कम बैक एट 30, और 30 साल में लौट करके आया। बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाव बिकम अ फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज ए साइंटिस्ट। यानी सदाव के फादर ने देख लिया कि मरने से पहले कि सदाव ना केवल सर्जन बल्कि एक साइंटिस्ट भी बन चुका है। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर बोन्स इंटायरली क्लीन, चूँकि एक डिस्कवरी कर रहा था, एक चीज़ ढूंढ रहा था जिससे कि क्या होगा कि कोई भी घाव जो है वो कम्प्लीटली साफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, यानी ट्रूप्स के साथ उसको नहीं भेजा गया। ऑल्सो ही न्यू, और वह सदाव ये भी जानता था कि देर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन। उसको ये भी पता था कि जो ओल्ड जनरल है उसका उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली, जिसको कि अभी मेडिकली ट्रीट किया जाता। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वॉज केप्ट बींग केप्ट इन जापान, और इसी कारण से सदाव को जापान में रखा गया। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम ओशंस नाउ, अब जो है आ गया कि दिखा रहा है कि कैसे सदाव, ये तो सदाव के बारे में था, अब सदाव जो है सो जैसे कि क्लाउड्स वर राइजिंग, मैंने कि आसमान में जो है बादल चल रहे थे। अनएक्सपेक्टेड वार्म्थ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट डॉन हैवी फॉग फ्रॉम द क्लाउड वेव्स। अब रात में क्या होता था, दो दिन के गर्मी के कारण जो काफ़ी हैवी फॉग हो जाता था कोल्ड वेव के कारण। सदाव वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइन ऑफ द लिटिल आइलैंड नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस। सदाव देखता है कि कैसे जो है मिस्ट, जो है मिस्ट फॉग को ही कहते हैं, थीन फॉग से थोड़ा सा पतला होता है, उसको मिस्ट कहते हैं, कि जो क्या कहता है वो पूरे आइलैंड को ढक लेता, आउटलाइन कर लेता नियर द शोर, यानी कि उसके किनारे बीच के किनारे। देन क्रीपिंग अप बीच बिलो द हाउस, और फिर धीरे रेंगते हुए एक तरह से धीरे धीरे करके वो उसके घर के तरफ आ रहा है। रीडिंग अराउंड, अब ये रीडिंग वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है, इसका क्या मतलब होता, या तो सर्कल होना या बुनना। कि रीडिंग अराउंड द पाइन्स, और जो पाइन के ट्रीज थे उसको भी उसके चारों तरफ ये पूरा मिस्ट जो है फैल रहा था। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, और कुछ ही सन में जो ये फॉग है वो पूरे घर को घेर लेगा, पूरे घर जो है फॉग में आ जाएगा। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना, फिर उसके बाद क्या होगा, वो घर वो रूम में गया। देन ही वुड गो इन टू द रूम, फिर रूम गया वेयर हाना हिज वाइफ वुड वेटिंग फॉर हिम विद द टू चिल्ड्रेन, जहाँ पर कि उसकी वाइफ जो है वेट कर रहा था उसका, जिसके कि दो बच्चे हैं। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन जब ये सोच रहा था इसी समय द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, शी लुक्ड आउट, और फिर उस हाना ने उसको देखा। अ डार्क ब्लू वुलन हेरॉय ओवर हर कीमनो, ये कीमनो क्या होता है, इसका ड्रेस होता, तो उसके ऊपर जो है एक वुलन हेरॉय परत, हेरॉय एक लूज कलर का क्लोथ होता है, तो वो पहनी हुई थी। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, बड़ा वो अफेक्शन के साथ सदाव के पास आए। पुट हर आर्म्स थ्रू हिज एज ही स्टूड, और फिर क्या किया, अपना हाथ जो है उसको हाथ दे दिया। स्माइल एंड सेड नथिंग, और फिर हंसी और कुछ भी नहीं बताई। तो एक वाइफ हस्बैंड में जो
होता है क्या अंडरस्टैंडिंग वही है. ही हैड मेट हाना. आप फिर याद आता है कि कैसे हाना से सदाव जो मिला था. ही हैड मेट हाना इन अमेरिका. सदाव जो है हाना से अमेरिका में मिला था. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अनटिल ही वॉज श्योर अनटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापनीज. यानी कि उससे आना से अमेरिका में तो मिला था लेकिन उससे प्यार करता जब तक ये कंफर्म नहीं कर लिया कि वो भी जापनीज है. हिज फादर वुड नेवर हैड रिसीव हर अनलेस शी हैड बिन प्योर इन हर रेस. उसके फादर जो है इस बात को नहीं मानता जब तक कि उसको उसके अगर वो हाना भी उसी कास्ट की या उसी रेस की नहीं होती तो. यानी जापनीज तो होती ही लेकिन उसमें भी पर्टिकुलरली उसके कास्ट की. जैसे इंडिया में होता है ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में भी ये होना चाहिए. इस तरीके से ही वंडर ऑफन होम ही वुड हैव मैरिड इफ ही हैड नॉट मेट हाना. फिर वो सोचता था अक्सर ये सोचता कि अगर वो हाना से नहीं मिलता हो तो किससे शादी होता. बाय वॉट लक ही हैड फाउंड हाना फाउंड हर इन मोस्ट कैजुअल वे. उसको लगता कि किस लक से हाना से वो मिला था. एक कैजुअल तरीके से मिला था बाय चांस लिटरली. मैंने बाय चांस कैसे मिला था तो देखते हैं. एट अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस. एक अमेरिकन प्रोफेसर के हाउस में बाय चांस ही हाना से वो मिला था. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड हैड बीन काइंड पीपल. प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल. यानी प्रोफेसर उसके वाइफ जो थे काफ़ी जनरस इंसान थे काइंड थे. एंग्सटस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स. और जो कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स हुआ करते थे उसको मदद करने के लिए वो हमेशा रहते थे. एंड एंड स्टूडेंट्स दो बोर्ड. अब ये कहता है तो इसी में क्या होता था कि जब वो बैठे बैठे बोर हो जाता दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस. और इसीलिए वो जो है उस काइंडनेस को एक्सेप्ट करता था सदा. सदाव हैड ऑफन टोल हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हर्लीज हाउस दैट नाइट. यानी कि वो हाना को बताता है कि कैसे उस दिन वो लगभग नहीं जाने वाला था प्रोफेसर हर्ली के हाउस दैट नाइट. द रूम वर सो स्मॉल. जो उसका रूम था काफ़ी स्मॉल था. द फूड सो बैड. जो फूड था वो भी बड़ा बुरा था. द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल. और उसकी वाइफ जो थी वो काफ़ी बातूनी थी. बट ही हैड गॉन देयर ही हैड फाउंड हाना. और फिर लेकिन फिर भी वो यहाँ गया और वहाँ पर उसको हाना मिला. अ न्यू स्टूडेंट. एक नई स्टूडेंट थी हाना. एंड ही हैड फेल्ट. और उसको लगा कि ही वुड लव हर इफ़ इट वर ऑल पॉसिबल. और फिर सदाव ने सोचा कि वो उससे प्यार करेगा जब ये पता चल जाएगा कि वो जापनीज है. और इस तरीके से नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म्स एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गिव हिम. यानी वाइफ हस्बैंड में जो एक रोमांस कह सकते हैं या एक तरह से अंडरस्टैंडिंग या अफेक्शन या लव जो भी करें. तो अब वो कहता है कि कैसे अब उसके हाथ जो है जो हाना जो है अपनी हैंड दी थी उसके हैंड में तो कैसे उसको एक तरह से उसे प्लेजर मिलता है. इवन दो दे हैड बिन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव ए टू चिल्ड्रेन. अब ये भी बताने कहते कि ऐसा नहीं कि उसकी तुरंत में शादी हुई है क्योंकि तुरंत जो जिसकी मैरिज होती है थोड़ा सा उसमें ये सब चीज़ होता है एक तरह से. लेकिन इसकी शादी का काफ़ी साल हो गए दो बच्चे भी हो गए तब ये बात कह रहा है. फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली अमेरिका. और ये जो मैरिड मैरिज हुआ था लोगों का वो ऐसे नहीं हुआ था. हेडलेसली का मतलब होता है इन ए वे दैट डज नॉट गिव अटेंशन टू अ रिस्क पॉसिबिलिटी डिफिकल्ट. यानी कि ऐसा नहीं कि बिना मतलब के बिना सोचे समझे शादी कर लिया. दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट ए स्कूल. यानी जिस चीज़ के लिए वो गया था स्कूल में वो अपना काम कर लिया. हैड कम टू जापान. फिर जापान आया. एंड वेन हिज फादर हैड सीन हर. जब उसके फादर ने हाना को देख लिया. द मैरिज हैड बिन अरेंज इन द ओल्ड जैपनीज वे. फिर जो है मैरिज को ओल्ड जैपनीज वे में अरेंज किया गया. ऑल दो सदाव एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर फोर हैंड बिफोर हैंड. यानी सदा और हाना ने ये चीज़ पहले ही डिसाइड कर लिया था और बातचीत कर लिया था कि कहीं अगर उसके पिताजी नहीं माने तो फिर वो शादी नहीं करे. देवर परफेक्टली हैप्पी शी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म्स. और फिर जो है अपना वो चिक जो है उसके हैंड में हार्ट पे रख दिया. इट वॉज दिस मोमेंट. जब ये सब चीज़ उन दोनों के बीच हो रहा था या
बाल खड़े थे, यानी वो ये बाहर की बात है, यानी कि उस अपने बालकनी में था, एक तरह से कह सकते हैं। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। इसी समय वो देखता है कि कोई जो है ब्लैक कलर का कुछ निकल के आया है मिस्ट से, यानी कि फॉग से। इट वॉज ए मैन, वो एक मैन था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, यानी कि वो ओशन से लगता है उछल करके निकला है। फ्लंग, हाँ लगता है ऐसा ही, इट सीम्स ऐसा लगता है। टू फिट बाय द ब्रेकर, अब ब्रेकर का क्या मतलब, वेव मूविंग टुवर्ड्स द कोस्ट, यानी कि लगता है कि उसको जो उसका जो फीट पे और उसको धक्का दे करके जो है वो वेव जो है उसको बाहर निकाला है। ही स्टेगर एट फ्यू स्टेप, कुछ दूर तक वो लड़खड़ा करके चलता है। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, उसका जो बॉडी है फिर से आउटलाइन हो गया मिस्ट से, यानी कि थोड़ा सा शेप बना लिया, ढक गया। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, इसका आर्म्स उसके हेड पे था। देन द कर्लेड मिस्ट हिट हिम अगेन, और फिर जो कर्लेड मिस्ट, अब कर्लेड का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा दिखने वाला, यानी थोड़ा जो मिस्ट था फिर से उसको छुपा लिया। हु इज दैट, हना क्राइड, हना ने चिल्लाई कि कौन है वो। शी ड्रॉप्ड सदाव आर्म्स, उसने सदाव का आर्म छोड़ दिया। एंड दे बोथ लीन ओवर द रेलिंग, यानी कि चूंकि बालकोनी में था तो उसे झांक करके देखा, रेलिंग ओवर द वरांदा। नाउ दे सॉ हिम अगेन, फिर से वो देखता है। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड एंड नीज, जो इंसान था वो अपने हैंड पे और नीज पे था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाइज देयर, फिर देखता है कि वो अपने फेस के बल गिर गया और पड़ा हुआ। अ फिशरमैन परहैप्स, सदाव से, सदाव कह शायद ये फिशरमैन है, वॉश फ्रॉम द बोट, यानी लगता है कि जो है बोट से मैंने कि तैर करके आ गया। ही रेन क्विकली डाउन इन स्टेप एंड बिहाइंड हिम हाना, यानी कि वो नीचे गया और फिर उसके उसके पीछे जो है हाना भी गई। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी जो वाइट स्लीव थी यानी कि हेरोई जो पहनी हुई थी वो फ्लाई कर रहा था। अ माइल और टू अवे ऑन आइदर साइड देर वर अ फिशिंग विलेज, यानी कि 1 माइल या 2 माइल के आइदर साइड जो थे, यानी कि वो सी के वहाँ पर फिशिंग विलेज थे। बट हियर वॉज द ओनली बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन जहाँ पर सदाव का घर था वो तो सिर्फ अकेला था, उसमें कहीं कुछ ना। डेंजरस विद द रॉक्स, और ये जो जहाँ पर सदाव रहता था वहाँ पर डेंजरस रॉक्स भी था, काफ़ी खतरनाक। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज अ स्पाइक विद द रॉक, और सर्फ का क्या मतलब है, टॉप ऑफ द वेव्स, ये जो सर्फ है, बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक विद, और उसके कारण जो है जो वो जो हवा चलती है वहाँ, जो वेव जो चलता है वो काफ़ी स्पाइक, यानी कि एक तरह से नुकीला वो बना देता है, तो खतरनाक सा वो बन चुका है। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, और किसी तरीके से जो है इंसान जो है वो उसी के थ्रू हो करके आया है। समहाउ ही मैंने हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, यानी जो जो बना हुआ है सर्फ दोनों के बीच में, उसी से वो निकल करके आया है। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, इसीलिए कहते हैं कि वो बुरी तरीके से घायल होगा। दे सॉ व्हेन दे केम फॉरवर्ड हिम एंड इनडीड इट वॉज सो, जब वो लोग आया उसको देखा तो देखा कि हाँ सच में ऐसा ही। द सैंड वॉज ऑन वन साइड ऑफ हिम, जो सैंड था उसकी एक साइड था, हैड ऑलरेडी ए स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, और जो बालू जो था वो रेड हो चुका था क्योंकि उसके ब्लड निकल रहे थे इस कारण से। स्टेन का मतलब धब्बा। ही इज़ वाउंडेड, सदाव स्क्लेम, सदाव ने कहा कि वो घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन, उस इंसान के पास गया हु ले मोशनलेस, और वो इंसान जो था लेटा हुआ था, यानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। हिज फेस इन द सेंड, उसका फेस द था वो सेंड में, यानी मुँह मुँह के बल वो गिरा हुआ था। एंड द ओल्ड कैप स्टक ऑन हिज हेड शोक विद द सी वाटर, और जो पुराना सा कैप था वो पूरा भीग चुका था सी वाटर से। ही वॉज इन वेट रैग ऑफ द गारमेंट, और वो काफ़ी पुराना कपड़ा जो है फटपटा पहना हुआ था। सदा स्टॉप्ड, सदा रुका। हाना एट हिज साइड, हाना उसके बगल में थी। एंड टर्न द मैन हेड, और उसका जो है शकल जो है घुमाया। दे सॉ द फेस, तब जो उन्होंने फेस देखा, अ वाइट मैन, हाना विश्वर। अब हाना कहती है कि हाँ ये तो वाइट मैन है, यस इट वॉज अ वाइट मैन। द वेट कैप फेल अवे एंड देर वॉज हिज वेट येलो हेयर, अब जो उसका वेट कैप था वो गिर गया और जो ये येलो हेयर था वो दिख रहा। लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बिन कट, अब काफ़ी यानी कि उसका जो
येलो हेयर था, लगता है कि वो काफ़ी बड़ा हो चुका, बहुत दिन से काटा नहीं गया। अपॉन हिज येलो एंड टॉर्चर फेस, और उसके जो येलो और टॉर्चर फेस थे, टॉर्चर मतलब जिस पे कि काफ़ी टॉर्चर किया गया है, वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और उस पर दाढ़ी भी था। ही वॉज अनकॉन्सियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और कुछ नहीं जानता था कि वो लोग उसके साथ क्या करें। नाउ सदाव रिमेंबर द वुंड, अब सदाव को उसका घाव जो है याद आता है। विद हिज एक्सपर्ट्स फिंगर एंड ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और फिर उसको देखने की वो कोशिश करता है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही उसने घाव को टच किया तो ब्लड उससे निकलने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, यानी उसके राइट साइड में लोअर बैक पे सदाव सॉ द गन वुंड हैड बीन रीओपन, देखा कि एक गोली जो लगा है उसका घाव जो है फिर से रीओपन हो चुका। द फ्लैश वॉज ब्लैक एंड विद द पाउडर, यानी जो घाव था वो ब्लैक कलर का हो चुका था, किससे? गन पाउडर से। समटाइम्स नॉट मैनी डे अगो द मैन हैड बीन शॉट, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है जब इंसान को गोली मारा गया। एंड हैड बीन टेंडर, और हैड नॉट बीन टेंडर, और इसकी देखभाल नहीं की गई है। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वुंड, और ये बहुत बुरा हुआ कि जो रॉक जो है इसके घाव को फिर से चालू कर देने को, उसी रॉक से होकर के आया है तो घाव पर लगा होगा रॉक। ओ हाउ इज़ ही ब्लीडिंग, हाना विश्पर अगेन इन द सोलमन, यानी कि सोलमन का मतलब कि सांत्वना वाले या एक तरह से सिंपैथी शो करते हुए हाना विश्वर करती है, यानी कि फुसफुसाती है या बुदबुदाती है कि कैसे ये ब्लीडिंग हो रहा है इसका। द मिस्ट स्क्रीम देम नाउ कम्प्लीटली, और जो फॉग था पूरी तरीके से ढक लिया था सबको। एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाय, और इस समय तक तो कोई नहीं आया। द फिशरमैन हैड गॉन होम, जो फिशरमैन है वो घर चला गया। इन इवन द चांस ऑफ बीच कॉमर, जो बीच कॉमर, अब ये बीच कॉमर क्या होता है? अ पर्सन हु वॉक्स अलॉन्ग द बीच लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट फॉर अ वैल्यूएबल थिंग्स, तो यानी बीच पे जो घूम घूम कर कोई चीज़ ढूंढते रहता है जो कि फ़ायदे का, उसको बीच कॉमर कहते हैं। वुड हैव कंसीडर द डे एट एंड, अब वो भी जो है अपना छुट्टी कर लिया होगा। वॉट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाव मटर, सदाव भी धीरे से आवाज़ में बोला कि इसका क्या करेंगे। बट हिज ट्रेन हैंड सीम्स ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग वट दे कुड डू टू स्टॉप द फियरफुल बीडी, लेकिन उसका जो ट्रेन हैंड था, क्योंकि वो डॉक्टर था और डॉक्टर जब किसी को देखता है तो उसको बड़ा, तो उसका जो हाथ था ये कुछ बता रहा था कि हिज ट्रेन हैंड्स सीम्ड ऑफ देयर ओन विल, यानी कि उसकी इच्छा थी टू बी डूइंग, यानी कुछ किया जाए, वट दे कुड टू स्टॉन्च द फियरफुल बिल्डिंग, यानी कि स्टॉन्च का मतलब होता है स्टॉप समथिंग फॉर हैपनिंग, स्पेशली ब्लड की जो या लिक्विड जो फ्लो होता है, स्पेशली ब्लड, उसको कैसे रोका जाए। ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस, उसने क्या किया कि जो उसका वुंड था उसको सी मॉस से ढका था। मॉस क्या होता है? एक वेरी स्मॉल ग्रीन या येलो कलर का प्लांट होता है जो स्पेशली वेट इलाके में चलता है। सी मॉस दैट स्टूड द बीच, स्टूड का मतलब होता है ग्रो करना या अनटाइडी स्पेस में, उससे उसको भर दिया। द मैन मॉर्न विद अ पेन इन हिज स्टूपर बट डिड नॉट अवेकन, स्टूपर का क्या मतलब होता है? अ स्टेट इन विच अ पर्सन ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, यानी वो जो इंसान था कर रहा तो यानी कि कराहट तो किया, पेन तो उसको हुआ उसके कारण कराहट तो किया, इन हिज ट्यूमर बट डिड नॉट अवेकन, लेकिन नहीं जागा। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू टू बी टू पुट हिम बैक इन द सी, तो कह रहा है कि बेस्ट थिंग क्या हो सकता है कि उसको उठा करके सी में डाल दिया जाए। सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को कह रहा है। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप फॉर अ मोमेंट, अब जो ब्लीडिंग है वो रुक चुका है। ही स्टूड अप एंड डस्टेड द हैंड फ्रॉम हिज हैंड, डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज, और अपने हाथ से जो है सैंड को झाड़ा। यस अनडाउटेबली दैट वुड द बेस्ट, हाना सेड, हाना ने कहा ये सबसे अच्छा होगा। हाना सेड द अनडाउटली दैट वुड द बेस्ट, हाना सेड स्टिलली, बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन द मोशनलेस मैन, लेकिन वो अभी भी उसको घूर करके देख रही थी। इफ वी शेल्टर अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ वी टर्न हिम ओवर अ प्रिजनर
ही वुड सर्टनली डाई. सदाव सेड, सदाव ने कहा कि अगर हम इसको शेल्टर देते हैं, अपने यहाँ रखते हैं, तो हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे, और अगर इसको प्रिजनर को दे देते प्रिजनर, तो वहाँ पर ये मारा जाएगा. द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी. सबसे अच्छा क्या होगा, इसके इसको सी में डाल दिया जाए. हाना सेड, बट नाइदर ऑफ देम मूव, लेकिन दोनों में से कोई आगे नहीं बढ़ा. देवर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर, यानी एक दूसरे को वो घूर करके देख रहा था, और एक दूसरे से क्यूरियस रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब डिसलाइक होता है, डिसअप्रूवल होता है ना, कि एक दूसरे वो चाहता नहीं था कि मतलब कोई तुम आगे बढ़ो तो तुम आगे बढ़ो. इस और उसमें ये था कि वो क्यों नहीं जा रहा है, वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये क्यों नहीं बढ़ रहा, इस तरह के दोनों में. वट इज़ ही हाना, हाना नवेश्वर की क्या है ये. देर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, ऐसा कुछ लगता है, कुछ है जो कि जिससे कि अमेरिकन है. सदाव से ही टुक अप द बैटेड कैप, यानी वो जो फटा हुआ कैप था उसको उठाया. यस दे आर ऑलमोस्ट गॉन, लगभग मिट चुका था. वॉट इज़ ए फेंटिंग लेटर, यानी कि बहुत कम ही दिख रहा था लेटर, मिट चुका था. अ सेलर, यानी सेलर था वो. ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, यानी कि एक अमेरिकन वॉरशिप का सेलर है. स्पेल्ट इट आउट, उसने स्पेल्ट किया, US नेवी, यानी ये US नेवी का. द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी जो मैन है वो प्रिजनर ऑफ वॉर है. ही हैड एस्केप, यानी ये भागा है. हाना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वॉन्डेड, और इसीलिए घायल है. इन द बैक सदाव एग्री, दे हेजिटेटेड लुक इच अदर, देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन, दोनों एक दूसरे हिचकिचाहट हो रही थी कि कौन उठा करके डाले. फिर हाना ने कहा, कम वी आर एबल टू पुट हिम बैक इन टू द, चलो हम लोग उसको उठा करके डाल देते हैं. इफ़ आई एम यू आर, सदाव आस्क, तो कहा कि ठीक है, अगर मैं डाल सकता हूँ तो तुम भी तो डाल सकती हो. नो हाना सेड, नहीं मैं नहीं डालूंगी. बट इफ़ यू कैन डू इट, तुम खुद से कर लो. सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव फिर से जो है हेजिटेट हुआ. द स्ट्रेंज थिंग इज, अब यहीं पे बचाने की जो डॉक्टर की इच्छा थी वो देख लो. द स्ट्रेंज थिंग इज द, ही सेड दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, अगर ये इंसान जिंदा होता तो उसको उठा करके हम पुलिस वाले को दे देते. आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे मैं इसके लिए क्यों केयर करूँ, मेरा तो कोई इस पर सिंपैथी नहीं है. एंड ही इज़ माई एनिमी, और ये मेरा दुश्मन है. ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, और सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन है. एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, और ये शिवास कॉमन फेलो है. यू सी हाउ फुलिस हिज फेस, देखो ये कितना बेवकूफ़, कितना फुलिस मतलब कितना एक तरह से बेचारा सा, बेवकूफ़ सा एक तरह से ये दिख रहा है. बट सिंस ही इज़ वुंडेड, चूँकि ये घायल है, यू के नॉट थ्रो हिम बैक इन टू द सी, हाना सेड. तो फिर कहा तुम इसको सी में नहीं फेंक सकते, हाना ने कहा. देन देर इज़ अ ओनली वन थिंग टू डू, तब तो फिर एक ही काम करना पड़ेगा. वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, तो फिर चलो हम इसको उठा करके अपने हाउस में रख लेते. बट द सर्वेंट, सदाव इंक्वायरी, तो सदाव ने कहा कि फिर सर्वेंट का क्या होगा, सर्वेंट जो है वो क्या कहेगा. सदाव इंक्वायरी, वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, तो फिर एज इन डीड वी मस्ट. सदाव, सदाव ने कहा कि हम लोग कहेंगे कि हम लोग इसको पुलिस को देंगे, और हमारा इरादा भी है. वी मस्ट थिंक ऑफ चिल्ड्रेन एंड योर पोजिशन, इट वुड इन डेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज प्रिजनर ऑफ वॉर. तो फिर हाना कहती है कि ये जरा अपने बच्चों के बारे में सोचो, और फिर अपने प्रोफेशन के बारे में, अगर हम इसको नहीं देंगे प्रिजनर ऑफ वॉर में, तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल पैदा कर देगा. इन डेंजर ऑफ ऑल ऑफ अस, तो सर्टेनली सदाव एग्री होता कि हाँ ऐसा होगा होगा ही, तो हम क्यों नहीं डालेंगे इसको, दे देंगे. आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनी थिंग एल्स, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा. दस एग्री, दोनों एग्री हुआ. टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों ने मिलकर उठाया. ही वॉज वेरी लाइट लाइक ए फॉल, यानी इतना हल्का था जैसे कि एक फॉल मतलब एक बर्ड होता है. दैट हैड बिन हाफ स्टार फॉर अ लॉन्ग चैन, जो कि बहुत भूखा था बहुत दिनों से. अनटिल इट इज़ ओनली द फेदर एंड स्केल्टन, उसका बस फेदर और स्केल्टन बन चुका, यानी पक्षी जो जो उसका फेदर होता है और स्केल्टन होता है वही लगता है इसका बच गया. तो यानी कंपेयर किया. सो हिज आर्म्स हैंगिंग, और इसलिए उसका आर्म जो है झूल रहा है. दे कैरीड हिम अप द स्टेप इन टू द साइड डोर ऑफ द हाउस, यानी एक बगल से दरवाज़ा था उसके थ्रू उसको ले गया. द डोर ओपन इन टू द पैसेज, वो दरवाज़ा एक पैसेज में खुलता था. एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी रूम, और उसी पैसेज के थ्रू एक एम्प्टी रूम में ले गया. इट हैड बीन द
बेडरूम ऑफ सदाओज फादर, वो जो बेडरूम था सदाओ के फादर का था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, और उसके मरने के बाद से इस रूम को यूज़ किया ना। दे लेड द मैन ऑन द डीप मैटेड फ्लोर, यानी वो जो इंसान को रखा, वो जो उसका फ्लोर था उस पर मैट था, यानी कि जो कालीन कहते हैं एक तरह से, वो काफ़ी था डीप मैटेड फ्लोर। एवरीथिंग हियर हैड बिन अ जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, यानी यहाँ सब कुछ जो था जापनीज था, जिससे कि वो बुरा इंसान सदाओ के पिताजी बड़ा खुश होते थे। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, वो कभी भी दूसरे बेड पे, किसी भी फॉरेन बेड पे नहीं सोया, जो भी था वो जो जापनीज था उसी पे। हाना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड एंड स्लिट बैक द डोर, यानी वॉल बोर्ड में गया, दरवाजे को खोला। एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, और फिर जो एक कम्बल जो है उठा करके लाया। सी हेजिटेटेड, फिर लेकिन जब कम्बल देने से पहले वो हेजिटेट हो रही थी, क्यों? द क्विल्ट वॉज कवर विद द फ्लावर सिल्क, यानी कि वो जो जो क्विल्ट था वो फ्लावर सिल्क से कवर था। एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, और काफ़ी वो वाइट सिल्क था। ही इज सो डर्टी, शी मर्मर इन अ डिस्ट्रेस, यानी वो गुस्से से, अगर डिस्ट्रेस हम निराशा से या गुस्से से कह सकते हैं, करें कि ये काफ़ी डर्टी है, इस पर कमल डालना उचित नहीं होगा। यस ही हैड बेटर बी वॉश, अच्छा होगा कि इसको हम साफ़ कर दें। सदाओ एग्री, इफ़ यू फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, तो कहा कि अगर तुम गर्म पानी लाओ तो मैं इसको साफ़ कर दूँ। आई के नॉट बियर यू टू टच हिम, ही सी शेड, तो सर हाना ने कही नहीं, मैं तुमको टच नहीं करने दूँगी। वी मस्ट, सॉरी, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज़ हियर, हम लोग सर्वेंट को कहेंगे कि ये यहाँ है, उसको आके साफ़ कर देंगे। आई विल टेल द यूमी नाउ, मैं हाना कहती मैं यूमी को कहूँगी, शी कैन लीव द चिल्ड्रेन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, बच्चों को समय के लिए छोड़ देगी और इसको वॉश कर देगी। सदाओ कंसिडर अ मोमेंट, सदाओ ने कुछ समय विचार किया। लेट इट बी सो, कहा ठीक है ऐसा ही होगा। ही एग्रीड, वो एग्री हो गया। यू विल टेल यूमी एंड आई विल टेल अदर्स, तुम यूमी को कहो, मैं बाकी सारे नौकर को कहता। बट द अटर पैलोर ऑफ द मैन अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्सेस, अब ये पैलोर वर्ड भी पहले यूज़ हुआ था अगर याद होगा आप लोगों को, तो जो स्लम वाला चैप्टर था, जो पोइट्री था एक सॉरी स्टीफन स्प्लेंडर जो एक पोइट्री लिखा था एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम, वहाँ पर भी पैलोर का यूज़ किया गया था, टॉल गर्ल पैलोर फेस वाला। तो यानी ये जो इंसान था, यानी जो आर जो ये था, इसका जो फेस था वो काफ़ी पैलोर था, यानी कि पेल बना हुआ था, बड़ा निराशा सा, एक तरह से पूरा पेल टाइप फेस था। मैन अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिज फर्स्ट टू, तो वो जो सदाव था वो झुक करके, यानी कि और उसको चेक कर, फील हिज पल्सेस, पहले उसके पल्सेस को चेक करता। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, यानी कि काफ़ी कम चल रहा था लेकिन चल रहा था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन कोल्डेस्ट ब्रेस्ट, यानी कि उसके सीने पे भी हाथ रख के चेक किया। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, लेकिन उसका जो हार्ट था वो भी अभी चल रहा था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड, अब सदाव कहता है कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, तो अब ये सोचते हुए कि क्या ये नहीं मरेगा अगर हम इसको इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इलाज कर भी देंगे तो ये मरेगा। हाना क्राइड आउट इन अ फियर, तो हाना जो है चिल्ला बैठी, डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसको सेव मत करो। व्हाट इफ ही शुड लिव, अब ये व्हाट इफ जो एक्सप्रेशन है ये इस तरह से किया जाता है कि कोई चीज़ फ्यूचर में होने वाला होता है, खास करके बुरा चीज़, तो उसको कहते हैं व्हाट इफ। अब व्हाट ही शुड लिव, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट ही शुड लिव इफ, यानी अगर ये जिंदा ही होगा तो क्या होगा। तो ये कहते हैं व्हाट इफ ही शुड लिव, तो अब यो कहते हैं कि अगर ये जिंदा ही हो गया तो क्या होगा। तो फिर सदाव कहता है अगर ये मर ही गया तो क्या, व्हाट इफ ही शुड डाई, तो यानी जिंदे रहने में क्यों, अगर ये मर ही गया तो क्या होगा, जिंदा ही रह गया। शी स्टूड गेजिंग, यानी फिर वो खड़े होकर के उसको घूर रहा है। इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट हम ख़त्म करते हैं, सेकेंड पार्ट में फिर से मिलते हैं। टिल दैट टाइम गुड।